Subscribe and press the bell icon for latest update. मध्य प्रदेश में कैबिनेट की मीटिंग में अहम फैसले लिए गए, जिसमें TCS कंपनी के 2018 तक सेवाएं जारी रहने का फैसला लिया गया है। TCS कंपनी की सेवा अब जितना काम उतना दाम के आधार पर लिया जाएगा, जिसके तहत TCS कंपनी के 8,72,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। वहीं पर्यावरण विभाग के लिए 12 पदों पर सहमति मिल गई है। गोपाल भार्गव पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रेस वार्ता में इन सारी बातों को रखा है। सबसे बड़ी बात है कि प्रवेश एवं फीस नियामक समिति एवं निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग द्वारा फीस निर्धारित की गई है, उनकी 100% प्रतिपूर्ति की आय सीमा 3 लाख से बढ़ा। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।